नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबसूरत मस्जिद मुबारक है ना, मस्जिद नबवी शरीफ, उसके बिल्कुल साथ। पहले तो हज़रत अब्बास ने कई दफ़ा कहा या रसूलल्लाह मैं भी आ जाऊँ मदीने, फरमाया आप वहाँ ठहरिए। और हुज़ूर फरमाने लगे मैं नबियों में आखिरी हूँ और लगता है आप हिजरत करने वालों में आखिरी होंगे मदीने की तरफ आने में। खुद हुज़ूर ने जब इजाज़त दी तो तशरीफ़ लाए, मस्जिद नबवी के साथ मकान बनाया। हज़रत उमर फारूक का दौरे खिलाफत था, यह आपको कुतुब हदीस में हर जगह हदीस मिलेगी और मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल में मिलेगी। आप गुजर रहे थे हजरत उमर फारूक, तो हजरत अब्बास का घर करीब था, तो जुमे वाला दिन बाज किताबों में आता है जुमे का दिन था, हजरत उमर आ रहे थे और उन्होंने ना ऊपर कोई मुर्गा भी ज़िबा किया हुआ था और पानी भी चल रहा था, तो परनाला गली में था वो पानी हजरत उमर पर गिरा। आपने महसूस किया कि तो बाकी नमाजियों को भी तकलीफ देता होगा, भाई मस्जिद के दरवाजे पर परनाला हो तो कोई बर्दाश्त करता है। हजरत उमर ने कहा उखेड़ दो परनाला, उखेड़ दिया। सैयदना फारूक के आज़म ने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद हजरत अब्बास आए रदी अल्लाह ताला, कहने लगे परनाला आपने उखेड़ा। जनाब उमर ने वजह बयान की, फरमाया वो चींटे पड़ते थे, नमाजियों को तकलीफ होती थी, माकूल वजह, उखेड़ दिया। हजरत अब्बास कहने लगे बिल्कुल ठीक है, मैं आप पर कोई जबर नहीं करता, कोई मैं जवाब में कोई बात नहीं करता, एक बार सिर्फ कहता हूँ वो सुन लेंगे। हज़रत उमर ने कहा कहिए। तो हज़रत अब्बास कहने लगे जब मैं ये मकान बना रहा था तो हुज़ूर तशरीफ़ लाए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना मेरे कंधों पे खुद सवार होके अपने दस्ते मुबारक से ये परनाला लगाया था। कपड़े पर छींटे पड़े हैं ना, वजह तो मौजूद है ना। अब हजरत उमर ने इस पर क्या तबसरा किया, थोड़ा साइड पे कर लें, चले अगर हुजूर ने लगाया था तो इसको दूसरे कोने पे लगा लें, कोई तबसरा नहीं। तुम कहते हो कभी तामीर के नाम पर, कभी फलां चीज के नाम पर, कभी फलां चीज के नाम पर। हजरत अब्बास ने कहा उमर नबी पाक ने लगाया था, इतने लफ्ज हैं, खत्म हो गई सारी वजूहत। हजरत उमर तो इतना रोए के बैठ गए, आंसू निकल आए आंखों से, कहने लगे अब्बास मेरे साथ चलिए। उसी जगह जाते हैं जहां से परनाला उखेड़ा है, आप इस तरह करें, अब आप मेरे कंधों पे चढ़ें और इसको दोबारा लगाएं। जिस चीज को रसूल